नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। काले धन पर स्विट्जरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी को मिली बड़ी सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन एवं कर चोरी तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की भारत की सदस्यता के दो अहम मुद्दों पर स्विट्जरलैंड का समर्थन प्राप्त करके बेहद अहम कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां द्विपक्षीय शिखर बैठक में स्विस राष्ट्रपति जॉन श्वाइंडर अम्मान ने पीएम मोदी को दोनों मुद्दों पर भारत के पक्ष का समर्थन करने का स्पष्ट संकेत दिया। मोदी ने स्विस राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एनएसजी में भारत की सदस्यता के दावे को समझने एवं समर्थन देने के लिए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का आभारी हूँ। काला धन एवं कर चोरी हम दोनों की साझी प्राथमिकता है। हमने कर चोरी करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए सूचनाओं के तेजी से आदान प्रदान के बारे में चर्चा की है। इस संबंध में सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान संबंधी समझौते पर शीघ्र बातचीत शुरू करना जरूरी है। कश्मीर में सैनिक कॉलोनी के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा। कश्मीर घाटी में सैनिक कॉलोनी स्थापित किए जाने के मुद्दे पर जम्मू और कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बीच तकरार हुई तथा सदन में हंगामा हुआ। गुस्साए महबूबा ने कहा कि अखबार की खबर में कोई सच्चाई नहीं है और उसमें जो तस्वीर छपी है वो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के क्वार्टर्स की है जो यूनिट के विवाहित कर्मियों के लिए बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये अखबार क्या चाहते हैं, क्या वे राज्य को आग में झोंकना चाहते हैं। खबर प्रकाशित करने से पहले उन्हें जांच करनी चाहिए थी। अमेज़न ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित विवादास्पद डोरमैट हटाए। अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले डोरमैट को बिक्री से हटा लिया है। अमेरिका में हिंदुओं के विरोध के 24 घंटों के अंदर वेबसाइट ने डोरमैट्स और उनकी बिक्री से संबंधित जानकारी को हटा दिया। गौरतलब है कि अमेज़न द्वारा अमेरिका में अपनी वेबसाइट पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले डोरमैट बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए जाने के बाद भारत में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद सोशल यूजर्स ने बायकॉट अमेज़न हैशटैग के जरिए साइट के खिलाफ कैंपेन शुरू किया था। एक घंटे के भीतर इस पर 12,000 से ज्यादा ट्वीट हो गए और ये देश भर में टॉप पर ट्रेंड करने लगा। ये पहला मौका नहीं है जब अमेज़न पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा है। जनवरी 2016 में अमेरिकी मैगजीन फॉर्च्यून ने कवर पेज पर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजस को विष्णु के अवतार में दिखाया था। कड़ी सुरक्षा के बीच मनाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं वर्षगांठ आज सोमवार को यहां स्वर्ण मंदिर में तगड़ी सुरक्षा के बीच मनाई गई और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसजीपीसी के कार्यबल के साथ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तैनात थे, जिससे मंदिर परिसर और इसके आसपास कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। स्वर्ण मंदिर में 1984 में सेना की कार्रवाई में मारे गए लोगों को समर्पित स्मारक को देखने आज बड़ी तादाद में लोग एकत्र हुए। दल खालसा के आह्वान पर आज इस पवित्र नगरी में प्रतिष्ठान बंद रखे गए। सुशील कुमार को हाईकोर्ट ने दिया झटका। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस फैसले से एक तरह से सुशील कुमार के सुनहरे करियर पर विराम लग गया। रियो ओलंपिक के जरिए सुशील और नरसिंह यादव में से किसे भेजा जाएगा, इस बात को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रियो ओलंपिक में शामिल होने के लिए सुशील और नरसिंह यादव के बीच ट्रायल नहीं होगा, यानी नरसिंह यादव ही रियो ओलंपिक में भाग लेने जाएंगे। अब इस बात की संभावना है कि हाईकोर्ट अनुकूल नतीजा नहीं मिलने पर सुशील सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। वहीं लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने वाले इस महान पहलवान का करियर इस कानूनी लड़ाई के बाद खत्म हो सकता है। उल्लेखनीय है कि ओलंपिक में दो ही महीने बचे हैं, लिहाजा सुशील की राह अब लगभग नामुमकिन लग रही है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।